Assalamualaikum everyone, this is Laiba Abbasi और आप देख रहे हैं देसी टीवी USA पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। मेरा जो एपिसोड है वो हर रोज ऑन एयर होता है एंड यू श्योरली डोंट वॉन्ट टू मिस आउट ऑन द डेली अपडेट्स हैपनिंग इन द क्रिकेट वर्ल्ड। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Why do you have to subscribe this YouTube channel? It's because के ये देसी टी वी USA जो है इट्स ए प्लेटफॉर्म जो कि आपको 20,000 प्लस लैंग्वेजेस में जो है वो कॉन्टेंट प्रोवाइड करता है। और इस तरह के चैनल पर जहाँ पर आपको हर लैंग्वेज में कॉन्टेंट देखने को मिलता है, यू श्योरली डोंट वॉन्ट टू मिस आउट ऑन सच ए प्लेटफॉर्म। तो उसके लिए अपने आप को इस प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रखने के लिए ज़रूरी ये है कि यू स्टार्ट सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, यू स्टार्ट शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स, यू स्टार्ट लाइकिंग द वीडियोज़ सो दैट यू कैन गेट द वीडियोज़ रिलेटेड टू दिस चैनल, रिलेटेड टू द ग्लोबल न्यूज़ ऑन योर डेली फीड। ठीक है, तो आज का जो हमारा एपिसोड होने वाला है बेसिकली इट्स गोइंग टू बी अबाउट PSL, इट्स गोइंग टू बी अबाउट इंडिया, इट्स गोइंग टू बी अबाउट द क्रिकेट हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। स्टार्टिंग ऑफ विद PSL पाकिस्तान सुपर लीग। आई फील लाइक के अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग में जितने भी मैचेस हो रहे हैं वो बड़े एक्साइटिंग हो रहे हैं, बड़े थ्रिलिंग हो रहे हैं, बट द पॉइंट इज के अभी तक PSL के 20 या कोई 22 मैचेस हो गए, बट हैव वे बीन एबल टू सी सम सुपरस्टार्स मेकिंग इट टू द T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड फॉर पाकिस्तान? क्या हमें कोई देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा, उन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ, सो आई वॉज रियली एक्सपेक्टिंग अ लॉट from some of the players, including Shaheen Shah Afridi, including Naseem Shah, including other players as well. But उस तरह से कोई भी up to the mark perform नहीं कर सका। Naseem, मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि whether you talk about Shaheen Shah Afridi, आप Naseem Shah के बारे में बात करो, आप Haris Rauf के बारे में बात करो, आप Aamir Jamal के बारे में बात करो, आप you know Meer Hamza के बारे में बात करो from Karachi Kings, आप Naseem Shah का I guess मैंने नाम ले लिया है, you know जितने भी fast bowlers हैं they haven't been able to prove their mark up till now. किसी के भी बॉलिंग उस तरह की नहीं रही या मुझे ऐसा नहीं लग रहा। हालांकि ये जो पाकिस्तानी, जो पाकिस्तान सुपर लीग है, ये हमारे अपने मुल्क में खेली जा रही है, मुल्क में खेली जा रही है, सो इट मीन्स आप गेम्स को अपनी कंडीशंस में खेल रहे हो, तो फिर आपकी इंटरनेशनल प्लेयर्स से इतनी पिटाई क्यों हो रही है? फिर आपकी इकॉनमी, वाई इज़ योर इकॉनमी अबव 8 और 8? 8 से नीचे किसी की क्यों इकॉनमी नहीं है? इट मीन्स के रन्स बहुत लीक हो रहे हैं, विकेट्स भी नहीं मिल रही सरप्राइजिंगली। Naseem Shah का तो चैलेंज ठीक है, थोड़ा बहुत बनता है इंजरी के बाद आए, सो ही इज़ स्टिल यू नो गेटिंग बैक टू हिज रिदम, बट व्हाट अबाउट अदर बॉलर्स? यू नो Shaheen Shah Afridi, ही इज़ नॉट ओनली नाउ द प्रीमियम फास्ट बॉलर ऑफ आर पाकिस्तान सर्किट, बट ही इज़ ऑल्सो नाउ द कैप्टन ऑफ अ नेशनल टीम। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि उनको पता होना चाहिए कि कैप्टनसी कैसे करनी है, बॉलिंग कैसे करनी है। आई डोंट नो कि मतलब हिज स्पीड इज़ लाइक क्लिकिंग अराउंड 145 इन सम ऑफ द ओवर्स, इन सम ऑफ द बॉल्स, बट वन यू टॉक अबाउट हिज कंसिस्टेंट फॉर्म, इट हैज़ टू बी वेरी पुअर। बहुत बुरी बॉलिंग करते हैं, बहुत बुरी नहीं कहूँगी, बट उस तरह की बॉलिंग नहीं हो रही इनसे जिस तरह की एक प्रीमियम फास्ट बॉलर को करनी चाहिए। ठीक है, तो Shaheen Shah Afridi, आई फील लाइक कि ही नीड्स टू इम्प्रूव हिमसेल्फ अ लॉट। T20 वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है, जून जुलाई में मैच स्टार्ट हैं और हमारा मार्च चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है, और हमारी तैयारी ही पूरी नहीं है। Haris Rauf वैसे ही रन मशीन बन चुके हैं टीम के लिए, बट अभी तो वो इंजरी में हैं, तो अब उनके रिप्लेसमेंट को कंसिडर किया जा रहा था कि भाई मे बी Zaman Khan कैन मेक इट अप टू द वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड, लेकिन फिर Zaman Khan के भी जिस तरह की फॉर्म चल रही है, मतलब एक ऐसा बॉलर जिसका पिछले दो सीजन से इतने ज़बरदस्त जा रहे थे, Zaman Khan को मैं वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स कंसिडर करने लगी थी, BPL में जिस तरह से विकेट्स की बरसात, फिर PSL में जिस तरह से विकेट्स की बरसात, डेथ ओवर्स में इतने ज़्यादा डेंजरस, इफेक्टिव, इतने ज़्यादा गेम चेंजर, लेकिन जिस तरह से ही हैज़ बिन गोइंग विद हिज फॉर्म लेटली वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि जब आप
इस तरह की कोई असाइनमेंट कर रहे होते हो, सो यू नीड टू चेंज योर वेरिएशंस, यू नीड टू बॉल इन द राइट एरिया, जो कि इन किसी बॉलर से नहीं हो पा रहा. सो फास्ट बॉलर्स ने तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है. वेल इफ़ यू टॉक अबाउट द इम्प्रूवमेंट एरिया, तो इम्प्रूवमेंट में मेरे ख्याल से वसीम जूनियर हैज़ टू बी वन ऑफ द फेवरेट्स, इंक्लूड अलॉन्ग विद अबरार अहमद. अबरार अहमद ने जिस तरह की बॉलिंग की है, ही इज़ अ मिस्ट्री स्पिनर. हमारा जो टी20 वर्ल्ड कप है वो आगे जाके कैरिबियन कंडीशंस में होने वाला है, उसकी वजह से होता ये है कि स्पिनर्स को फ़ायदा बहुत मिलता है इस तरह की कंडीशंस में. और अबरार अहमद जिस तरह की बॉलिंग करते हैं, ही इज़ अ मिस्ट्री स्पिनर. वो पता नहीं लगने देते बैट्समैन को कि वो क्या बॉलिंग कब कर रहे हैं, किस तरह का एंगल से कहाँ पे बॉल डाल रहे हैं. तो उसकी वजह से जो है वो ही इज एक्चुअली गॉट दी एबिलिटी टू डॉज द प्लेयर. तो उसकी वजह से होता ये है कि ही इज एबल टू गेट द विकेट्स, ऑल दोज क्रूशियल इंपॉर्टेंट विकेट्स इन यू नो मिडल ओवर्स एंड एक्सेट्रा. वसीम जूनियर की भी बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है. सो आई फील लाइक इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है. वेल इफ़ यू टॉक अबाउट यू नो आमिर जमाल को मैं कहूँगी, मैंने पिछली वीडियो में भी उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था, बिकॉज ही इज़ अ फाइटिंग ऑलराउंडर. ही इज़ वेरी वेरी मच अफेक्टिव, ठीक है, एज एन ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. हमारे पास राणा फहीम अशरफ थे पहले, लेकिन उस तरह से नहीं कर पाते. ही आई एम सॉरी टू से बट ही इज़ नॉट एबल टू मैनेज हिम सेल्फ लाइक दैट, ठीक है. तो रन्स भी लीक करते हैं, विकेट्स भी नहीं लेते, और अभी तक तो उनकी फॉर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैथेटिक जा रही है, नॉट जस्ट विद द बॉल बट विद द बैट इज वेल, विच मीन आई डोंट नो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इनको अभी तक खिला कैसे रहा है. मतलब इतना जिगरा, इतना कॉन्फिडेंस आपको एक किसी प्लेयर पर कैसे हो सकता है. यू कैन ट्राई आउट अदर प्लेयर्स बट एटलीस्ट यू शुड यू डोंट हैव टू कम अप विद फहीम अशरफ, लाइक कम ऑन. उसके बाद अगर आप बात करें आमिर जमाल की बात कर रहे थे हम, सो ही इज़ एक्चुअली गॉट द गट्स टू इम्प्रूव हिमसेल्फ इन द सेक्टर ऑफ बॉलिंग. बैटिंग तो बहुत कमाल की करते हैं, लेकिन अगर आपने इनको अच्छे से यूटिलाइज करना है, देन यू नीड टू सेंड हिम अप द ऑर्डर. आपको इनको एटलीस्ट इतना मार्जिन देना है कि उनके पास इतने ओवर्स हों खेलने के लिए कि ही कैन एक्चुअली फिनिश द गेम, ठीक है, डिस्पाइट नॉट बींग नॉट हैविंग द सपोर्ट फ्रॉम द अदर एंड, उसके बावजूद भी ही इज़ एबल टू विन द मैचेस. अगर आप इनको ठीक जगह पे, ठीक पोजीशन पे बैटिंग करने के लिए भेजो, पावर हिटिंग करने के लिए भेजो, एंड देन यू टॉक अबाउट यू नो मोहम्मद अली को मैं बहुत हाईली रेट कर रही थी तब तक जब तक यू नो मुल्तान सुल्तान के मैचेस मुल्तान में हो रहे थे. वंस मुल्तान सुल्तान केम आउट ऑफ देयर शेल, देयर होम ग्राउंड मुल्तान, उसके बाद से मोहम्मद अली की बॉलिंग उस तरह से इम्प्रेसिव नहीं दिखाई दे रही. इट मीन्स के आई नो इट्स क्वाइट अर्ली टू जज, पर आई फील लाइक के मोहम्मद अली जो है, आई फील लाइक के मे बी ही कैन मिस आउट ऑन द टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड, क्योंकि अभी तक काफ़ी ज़्यादा मैचेस मुल्तान से बाहर खेल चुका है, लेकिन एक भी मैच में मोहम्मद अली उस तरह से इम्प्रेसिव दिखाई नहीं दिए. सो इट माइट बी वन ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट्स, वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट्स आई फील लाइक फॉर मी एज अ फैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम. व्हाट डू यू थिंक, डू टेल मी इन द कॉमेंट्स बिलो. उसके बाद अगर हम बात करें PSL की एज अ होल, तो अगर आपने पेशावर ज़मीन वर्सेज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच देखा हो कल, तो उसमें एक बड़ा प्यारा वाकया हुआ. उसमें वाकया ये हुआ कि आमिर जमाल जब बैटिंग कर रहे थे, तो यू नो फहीम अशरफ उनको बॉलिंग करवा रहे थे, तो आमिर जमाल ने उनको जो है डीप स्क्वायर लेग पे छक्का मारा उसकी तरफ फ्लिक करके अपने बैट को, और एक ज़बरदस्त वो छक्का पड़ा. अनफॉर्चुनेटली बॉल बॉय वॉज नॉट एबल टू कैच दैट. तो उधर जो है वो कॉलिन मनरो खड़े थे, एंड कॉलिन मनरो एक्चुअली स्टार्टेड यू नो मेकिंग दैट बॉय लर्न द फैक्ट दैट हाउ टू एक्चुअली कैच अ बॉल लाइक दैट. जब ऊपर से छक्का आ रहा हो तो उसको ऐसे पकड़ते हैं, सो यू आर देन एबल टू यू नो कैच इट. और ये चीज़ें इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ये तब पॉलिश करेंगे एंड एक्सेक्टर उसको समझाने लगे. कोइंसिडेंटली व्हाट एक्चुअली हैपेंड एग्जैक्टली आफ्टर हाफ एन आवर, वो हुआ ये, हुआ कुछ यूँ कि उसी के बाद आमिर जमाल ने आधे घंटे बाद बिल्कुल उसी तरह का शॉट जो है उस तरफ खेला. बॉलर डिफरेंट था, लेकिन शॉट बिल्कुल उन्होंने उसी तरह का खेला. एंड हुआ क्या, उधर जो बॉल बॉय खड़ा था उसने वो कैच पकड़ लिया, ठीक है. उसने हालांकि शॉट बिल्कुल वैसा ही था, बट नाउ द बॉल बॉय वॉज एक्चुअली एबल टू कैच इट, और वह बहुत खूबसूरत, और आई थिंक इट शुड गेट द टाइटल ऑफ कैच ऑफ द PSL, कैच ऑफ द टूर्नामेंट. अभी तक आई नो इट्स अर्ली, बट
ये चीजें आपको करनी चाहिए टू अप्रिशिएट, फॉर द पर्पज ऑफ अप्रिसिएशन ऑब्वियसली आपको ये चीजें करनी चाहिए। और जिस तरह से कॉलिन मनरो यू नो भागते हुए आ रहे थे, लेकिन बीच पर जिस तरह से स्लाइड करके जो है उस लड़के ने कैच पकड़ा, वो इतना ज्यादा इंस्पायरिंग था कि मुझे वो बाबर आजम यूज टू बी अ बॉल बॉय। तो आयन बिशप ने एक बात की थी कॉमेंट्री में बैठते हुए कि ये लड़का जो है ये कुछ करेगा, ये बहुत बड़ा जो है वो बनेगा बैट्समैन, और वही हुआ। तो आई फील लाइक कि मुझे वो वाला वाकया याद आ गया, एंड फिर मैंने सोचा कि यार ये बॉल बॉय जो है ना ये इतना मेहनती है कि ही इज एक्चुअली दैट कीन टू लर्न कि उसने आधे घंटे मेयर आधे घंटे में जो है वो चीज़ को समझ लिया, उसको पिक कर लिया, और मे बी इवन अर्लियर देन दैट, और एंड देन ही वॉज एबल टू कैच इट। तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा आपको इंस्पायरिंग लगती है कि जिसकी कोई हद नहीं है। उसके अलावा अगर आप बात करो सेलिब्रेशंस की, तो फिर वहाँ पे कैच के बाद सेलिब्रेशंस होने लगी, कॉलिन मनरो ने उनको हग किया एंड एवरीवन वाज लाइक गेम रुक गया, बट दे वर लाइक नहीं हमें तो अपना सेलिब्रेट करना है। तो वो चीज़ जो है बड़ी इंस्पायरिंग होती है। अनफॉर्चुनेटली जो है ये चीज़ें आपको बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में देखने को नहीं मिलती, ऑब्वियसली फॉर यू नो पर्पजेज ऑफ फॉर्मेलिटीज एंड फॉर पर्पजेज बिकॉज ऑफ पर्पजेज ऑफ लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, लॉट्स ऑफ अदर फैक्टर्स टू कंसिडर। बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि वो चीज़ कितनी ज़्यादा इंस्पायरिंग और कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होगी, एंड द स्पेक्टेटर्स जो कि वहाँ पे लाइव बैठ के मैच देख रहे होंगे पिंडी में, उनको ये चीज़ कितनी देखने में यू नो मज़ा उसने दिया होगा और कितना अच्छा लगा होगा। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त वाकया हुआ। एंड अनफॉर्चुनेटली आई मिस्ड आउट ऑन उसामा मीर की अगर बात करूँ, अभी तक ही हैज़ बीन ए हेल ऑफ अ स्पिनर फॉर मुल्तान सुल्तान्स। आई मीन बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, बट उनको इंटरनेशनली क्या हो जाता है मुझे समझ नहीं आती। PSL में वो हर साल अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऑब्वियसली द टाइम ही ज्वाइन मुल्तान सुल्तान सबसे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में क्या हो जाता है, वर्ल्ड कप पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, एशिया कप पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, आई डोंट नो। मतलब ना सिर्फ उनसे बॉलिंग बल्कि उनसे फील्डिंग भी नहीं हो रही होती। तो वहाँ पे उसामा मीर को देखना पड़ेगा कि इफ़ ही एक्चुअली वांट्स टू मेक इट टू द T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड, तो उनको अपनी बॉलिंग इम्प्रूव करनी पड़ेगी। खैर ये था हमारा PSL का सेगमेंट। अगर इंडिया के सेगमेंट के बारे में बात करें, तो इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का जो है वो लास्ट टेस्ट मैच, आपको पता है 5 मैच की सीरीज थी, जिसमें से इंडिया ऑलरेडी जो है वो 3 जीत गया है, एक इंग्लैंड जीता है, तो ऑब्वियसली इंडिया सीरीज जीत गया है। बट द लास्ट टेस्ट मैच इज गोइंग टू बी टेकिंग प्लेस ऑन March 7 ऑनवर्ड्स, एंड इट्स गोइंग टू बी टेकिंग प्लेस एक्चुअली इन वन ऑफ माई फेवरेट स्टेडियम्स, धर्मशाला। धर्मशाला मेरा फेवरेट स्टेडियम है। क्या ब्यूटीफुल स्टेडियम है, क्या ब्यूटीफुल ग्राउंड है। यहाँ पे आप सिर्फ उन प्लेयर्स को इमेजिन करो जो यहाँ पे बैठ के खड़े होके मैच खेलते हैं, क्या उनकी फीलिंग होगी। इवन नॉट जस्ट मी, जॉनी बेयरस्टो ने भी कहा कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड में गेम्स खेली हुई हैं, इंग्लैंड के लॉर्ड्स में भी गेम खेली हुई है, बट द वे दैट धर्मशाला एक्चुअली फील्स इन इट्स सेल्फ वो बहुत खूबसूरत है कि आप माउंटेन्स के बीच में जिसपे हल्की हल्की स्नो है उसके बीच में आप जो है वो मैच खेल रहे हो, तो वो आप देखो उधर जब टेस्ट मैच होगा तो क्या ही फीलिंग होगी। आई मीन आई एम सो एक्साइटेड। उसके अलावा अगर बात करें तो IPL के हवाले से अगर आपको अपडेट्स दी चलूँ, सो KL राहुल इज़ बैक फ्रॉम इंजरी एंड देन ऋषभ पंत इज़ बैक फ्रॉम इंजरी, दोनों दे आर मेकिंग अ कमबैक। और अगर आप लोगों को लगता है कि ऋषभ पंत को नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ कि नेट्स में वो बंदा हेल ऑफ अ बैटर बना हुआ है, हेल ऑफ अ बैटर। सो आई फील लाइक कि ऋषभ पंत जो है वो बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक दूसरी चीज़ बताऊँ तो वो ये है कि मतलब MS धोनी ने आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक पे लगाया था कि ही इज़ ऑल सेट यू नो एंड वेरी एक्साइटेड टू जॉइन IPL 2024 इन अ न्यू रोल। अब मुझे पता नहीं क्या मतलब सच में क्या वो चेन्नई सुपर किंग्स की कैप्टनशिप छोड़ने वाले हैं, या फिर कोई मेंटोर बनने वाले हैं, कोई कोच बनने वाले हैं, कोई मैनेजमेंट में लगने वाले हैं, आई डोंट नो। आई फील लाइक कि जहाँ तक मुझे याद है तो MS धोनी ने कहा था कि ही एक्चुअली कंसिडर हिमसेल्फ फिट इनफ फॉर द जॉब एटलीस्ट यू नो अंटिल 2 seasons मोर ऑफ IPL इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का भी 2025 दोनों का सीजन खेलेंगे। बट एक्चुअल में क्या कहानी है, क्या सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर्पजेस के लिए किया है, सिर्फ वैसे ही छड़ा छाड़ी करने के लिए किया है, ये हम नहीं कह सकते अभी इसके बारे में कुछ। वेल दिस वॉज माई एपिसोड फॉर टुडे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कॉमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि उससे इंगेजमेंट बढ़ती है आपके और मेरे दरमियान। तो अगर आप इंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं, सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स भी करें। थैंक यू सो मच। दिस इज़ लाइबा बस्सी साइनिंग।